हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक और नई सीरीज जो मैजिक और एडवेंचर से भरी हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरू में हमें अर्थ का फ्यूचर दिखाया जाता है जो लगातार चल रहे सोलर स्टॉर्म से बर्बाद हो चुकी है और इंसान अब सतह पर नहीं रह सकते। रिसोर्सेज की कमी से ह्यूमन सोसाइटी पूरी तरह बदल गई और इस तबाही ने उन्हें अंडरग्राउंड रहने पर मजबूर कर दिया है, जहां वो टेक्नोलॉजी का यूज अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। आगे का सीन एक ऐसे ही अंडरग्राउंड लैब का है, जहां असल में एक वर्चुअल रियलिटी गेम स्पिरिट गॉड कॉन्टिनेंट पर ट्रायल चल रहे हैं। तभी हम व्हीलचेयर पर एक लड़के को देखते हैं जो इस गेम की स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आया है और वहां रखी एक मशीन उसका स्कैन शुरू कर देती है। उसकी थॉट्स से पता चलता है कि वो यहाँ अपनी डेस्टिनी को चेंज करने आया है और ये गेम ही उसका इकलौता जरिया है। तभी अचानक सिस्टम में कुछ एरर्स आने लगते हैं और गेमिंग टर्मिनल अचानक से ऑफलाइन हो जाता है। इंजीनियर्स को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और वो सब उसे रीस्टार्ट करने में लग जाते हैं। यही हम देखते हैं कि एक आदमी ये सब बड़े गौर से देख रहा है, जो शायद इस गेम का मास्टरमाइंड है। आगे हम फिर से उस व्हीलचेयर वाले लड़के को देखते हैं जो किसी वर्चुअल वर्ल्ड में बेहोश पड़ा हुआ है। अचानक कुछ लाइटनिंग स्ट्राइक लगने से वो होश में आता है और सोचता है कि आखिर ये मैं कहाँ आ पहुँचा हूँ। यही हम उसकी बॉडी पर लगे एक सेंसर को देखते हैं, जिसके चमकते ही उसके माइंड में पुरानी मेमोरीज आने लगती हैं और वो देखता है कि कुछ आदमी उसे मार रहे थे। फिर उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उसे लिन यी के नाम से पुकारती है और इस तरह उसे अपना नाम याद आता है। इसके अलावा उसकी सारी मेमोरीज बहुत मेस्ड अप हैं। और फिर हम इस वर्चुअल गेम में उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, जिसमें लिखा है कि लिन की कल्टीवेशन पावर 0 लेवल की है। तभी उसे सामने वही लोग दिखाई देते हैं जो थोड़ी देर पहले उसने अपनी मेमोरी में देखे थे और उनमें से एक कहता है कि तुम तो यार बहुत ही टफ आदमी हो और मेरे इतना मारने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। फिर वो उस पर एक बाल्टी पानी फेंक कर मारता है और लिन उसे ये सब बंद करने को बोलता है। तब वो आदमी उसे कहता है कि तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम कल्टीवेशन में तुमसे ऊपर के लेवल पर हैं और तुम तो अभी लेवल 1 पर भी नहीं आए हो। तभी एक दूसरा आदमी आगे आता है जिसने हाथ में एक मशाल पकड़ी हुई है और वो उसे कहता है कि लास्ट टाइम तुम्हें जलने पर बहुत पेन हुआ होगा और बड़े शर्म की बात है कि इस बार भी तुम खुद को नहीं बचा पाओगे। ये कहकर वो मशाल को लिन की ओर उछाल देता है और लिन जैसे ही बचने के लिए अपने हाथ ऊपर करता है, उसके शरीर के आसपास एक लाइटनिंग शील्ड आ जाती है और वहाँ का सारा एरिया फ्रीज हो जाता है। लिन को भी ये देखकर बहुत हैरानी होती है और तभी अचानक वो टेलीपोर्ट होकर एक नई जगह आ जाता है जो देखने में किसी कमांड सेंटर जैसा है। वहाँ लिन को हर तरफ डिस्प्ले और बाइनरी नंबर दिखाई देते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। तभी ऊपर से एक तेज रोशनी आती है और एक साया उससे पूछता है कि क्या तुम और जीना चाहते हो। लिन को लगता है कि शायद मैं मर चुका हूँ और ये कोई गॉड है जो यहाँ मुझे जीवन दान देने आया है। तभी वो साया नीचे उतर कर आता है और पता चलता है कि ये तो एक बोलने वाला फ्रॉग है जो अपना नाम व्हाइट पोनी बताता है और कहता है कि अगर फिर भी तुम चाहो तो मुझे गॉड बुला सकते हो। लिन एक बोलने वाले फ्रॉग को देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि आखिर एक जानवर होकर तुम बात कैसे कर सकते हो। ये सुनकर फ्रॉग थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है और कहता है कि मैं कोई एनिमल नहीं बल्कि व्हाइट पोनी हूँ और इस गेम में तुम्हें कस्टमर सर्विस देने आया हूँ। फिर वो उसे स्क्रीन पर कुछ स्पिरिचुअल आइटम दिखाता है और लिन की आंखें ये देखकर चमक उठती हैं। तभी उसकी मेमोरी फिर से फ्लैश होने लगती है और वो कहता है कि ना जाने मेरी मेमोरी को क्या हो गया है और मुझे तो मेरे नाम के अलावा कुछ नहीं पता। तब व्हाइट पोनी उससे कहता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता और इम्पोर्टेंट तो ये है कि तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो या नहीं। लिन भी हाँ में सिर हिलाने लगता है और तब पोनी उसे बताता है कि गेम में तुम्हारी कल्टीवेशन को मॉनिटर किया जाता है, जिसके टोटल 9 लेवल हैं और हर लेवल 3 सेक्शंस में बटा है और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तुम्हारी ताकत बढ़ती जाएगी। लिन भी ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और तब वो लोग उसके स्टैट्स पर नजर डालते हैं। लिन देखता है कि वो हर चीज में 0 है और उसे आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। फिर पोनी उसे गेम की करेंसी के बारे में बताता है, जिन्हें स्पिरिट स्टोन बुलाते हैं और इन्हें यूज करके वो लेवल्स को जल्दी से पार कर सकता है। इससे वो अपने लिए वेपन्स, एनर्जी और दूसरी स्पेशल आइटम्स खरीद सकता है और तब उसके दुश्मन उसका सामना नहीं कर पाएंगे। लिन भी ये सब अचीव करना चाहता है लेकिन कहता है कि मेरे पास तो ऐसी कोई करेंसी नहीं है।
ये सुनकर पोनी एकदम से चुप हो जाता है और कहता है कि तब तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लिन को उसका ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो कहता है कि मैं तुम्हारी कस्टमर सर्विस की कंप्लेंट करने वाला हूँ। तब पोनी उसे कहता है कि कंप्लेंट करने की कोई जरूरत नहीं है और क्योंकि तुम नए हो तो चलो मैं तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ। फिर वो अपनी कढ़ाई से एक बॉक्स निकालता है और उस पर क्लिक करते ही लिन को कंप्यूटर की आवाज सुनाई देती है जो बताती है कि ये इस गेम का स्टार्टर पैकेज है लेकिन इसके लिए तुम्हें 20 पॉइंट्स की जरूरत होगी। लिन पोनी से इन पॉइंट्स के बारे में पूछता है और वो बताता है कि एक स्पिरिट स्टोन 10 पॉइंट्स के बराबर है और इसके लिए तुम्हें 2 स्टोन्स चाहिए। लिन अपनी पॉकेट चेक करता है और पोनी सोचता है कि आखिर ये कैसा फटीचर प्लेयर है और काश मुझे कोई रिच क्लाइंट मिला होता ताकि मैं इस महीने का अपना टारगेट पूरा कर सकता। तभी लिन की जेब से 2 स्टोन बाहर गिरते हैं और पोनी खुश होकर उन्हें उठाने में लग जाता है। वो कहता है कि अब तुम इस पैकेज को खोल सकते हो और वापस जाकर उन लोगों को सबक सिखा सकते हो। बॉक्स पर क्लिक करते ही गेम लिन को वापस पहले वाली जगह ले आती है जहाँ सीन अचानक से अनफ्रीज हो जाता है और वो खुद को मशाल के लगने से बचा लेता है। उसे उन तीनों आदमियों के रैंक और स्टैट्स दिखने लगते हैं जो उसी की तरह गेम के कैरेक्टर्स में से एक है और वो भी धीरे धीरे सिस्टम को समझने लगता है। तभी पोनी एक बार फिर उसके पास आता है और लिन देखता है कि ये उसका एक होलोग्राम है जिसे उसके अलावा कोई नहीं देख सकता। फिर वो लिन को उसका स्टार्टर पैकेज देता है और बताता है कि इसके बिना तुम इन लोगों का सामना नहीं कर पाओगे। लिन उस बॉक्स को खोलने में लग जाता है और उधर वो आदमी भी उसकी अजीब सी हरकतों को नोटिस करते हैं। फिर वो उस पर अटैक करने की सोचते हैं लेकिन लिन उन्हें थोड़ा वेट करने को कहता है। यहाँ पैकेज से उसे 2 ड्राइव्स मिलती हैं लेकिन वो गुस्से में उन्हें जमीन पर पटक देता है और कहता है कि मुझे ड्राइव्स नहीं बल्कि कुछ वेपन्स चाहिए थे। तब पोनी उसे बताता है कि ये ड्राइव्स असल में बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इन्हीं से तुम्हें एनर्जी और एक्सपीरियंस मिलने वाला है ताकि तुम अपने लेवल्स को जल्दी से क्रॉस कर सको। इन्हें यूज करने के लिए उसे भी पोनी की तरह गाना गाना होगा लेकिन लिन ऐसा करने से मना कर देता है। वो आदमी भी इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे लगता है कि लिन शायद उसका टाइम वेस्ट कर रहा है। ये सोचकर वो उस पर अटैक कर देता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।